बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज देख लीजिए मक्का फाते अमल, कहाँ वो बाजवा की ताकत, कहाँ वो उठाना घरों से, वो तमाम की तमाम इसकी पावर किधर गई, वो खत्म हो गई, बैक कर गया इदारा इनका भी। जाहिर सी बात है, जब आप रिटायर्ड हो जाते हैं तो कोई आपकी परछाई को भी मुंह लगाने को तैयार नहीं। और वो शख्स जिसे पाकिस्तान की 99.99% अवाम बदतरीन नफरत करती है और जो 0.1% लोग हैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। आज आपको बताएंगे कि 9 अप्रैल की रात को असल में हुआ क्या था, लेकिन उससे पहले इमरान खान ने वो अल्फाज किसके सामने गए थे कि बाजवा को कौम मीर जाफर और गद्दार के तौर पर याद करेगी। असद उमर से सवाल पूछा गया, काशिफ अब्बासी ने प्रोग्राम में उनसे पूछा कि आप बताइए बाजवा का आपको हटाने में हाथ था, तो उन्होंने कहा कि देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री और बाकी सारे लोगों से मुझे ये बात पता चली, मैंने सुना कि जनरल बाजवा ने मुझे हटाया, लेकिन मैंने इसकी तहकीक नहीं की क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे लीडर ने मुझे एक पैगाम दे दिया था कि आपको जाना होगा, तो मैं चला गया। अब इमरान खान को बाजवा ने ऑर्डर दिया, किसने दिया, मैं इस बहस में नहीं पढ़ता, लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ कि फौज को इस्तेमाल किया बाजवा ने, नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स मनीपुलेट करवाई, चेंज करवाई, इसको बाहर भेजा, ये सारी सूरत हाल हुई। उन्होंने कहा कि मैंने डॉक्टर फैसल से भी पूछा। आप इमेजिन कीजिए मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर इस बंदे ने चेंज करवाया, इसकी क्या क्वालिफिकेशन, इसकी क्या हसीयत है। कल को इमरान उठ के कहे बाजवे को कि तू निकल यहाँ से, तेरा का काम नहीं है, अब बताइए क्या करेंगे, ताकत ही इस बंदे के पास। आप सोचिए, आपने कहावत सुनी होगी अक्सर औकात कि इनके बारे में बाजवा जैसा जो बंदा है वो अपने ऐसे ही लोग अपने बारे में करवाते हैं, वो जी हाथी जो होता है वो लाख का होता है, मरा सवा लाख का, अपने मिसाल तो सुनी होगी, और इन जैसे लोगों ने अपने बारे में खबर मशहूर करवाई होती है ताकि हमारा खौफ बरकरार है, हम रिटायर्ड भी हो जाए कोई हम पर उंगलियां ना उठाए। इनकी बहुत बड़ी गलत फहमी, इसको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आप देखिएगा लोग इसे नफरत के वजूद से, ये बंदा बेल्जियम चला जाए, कहीं चला जाए, इसको लोग छोड़ेंगे। उस रात हुआ यूं था कि इमरान खान की रिकॉर्डिंग्स हो रही थी और वजीर आजम हाउस से इमरान खान को पता चल चुका था और रिकॉर्डिंग्स हो रही थी। इमरान खान उस रेंज से चले गए थे बाहर, उस रेंज से अलग हो गए थे जहां पर रिकॉर्डिंग हो रही थी। इसको लगा कि इमरान खान मुझे हटाने वाला है, ठीक है। इमरान खान एक सवाल पूछते होते हैं कि उस रात अदालतें खुल गई थी, फलाना खुल गई थी, कैसे हुआ, याद है ना आपको इमरान खान के वो सवाल। इस बाजू का लगा इमरान खान मेरा तख्ता उलटने वाला है, यानी मुझे फारिग करने वाला है। जियो पर खबर चला दी कि इमरान खान हटाने वाले थे, एक पटिशनर, इनके ऐसे पटिशनर है ना जिन्हें आजम सबाती के खिलाफ इमरान रियाजी है, वो इनके जो टट्टू होते हैं, जो चम्मर चमूर चमारे इनके बैठे होते हैं, जो इनकी निकम्मी टीम होती है, वो सारा दिन यही बैठे। इनका काम क्या होता है, ट्वीट किसने की, इनू बंद कराओ, उन्नू बंद कराओ, उन्नू कॉल करो, ए करो, वो करो, ये बाजवे का काम था। ये बाजवे ने यही काम किया, और उसके बाद उसकी वीडियो फलाना ये वो, उसको चुकना ये करना। उस रात इसको डर पैदा हो गया था इमरान खान ने उससे पहले। इमरान खान का ऐसा कोई उस वक्त प्लान नहीं था, क्योंकि इमरान खान ने असद उमर को भेजा था इसके पास कि जाकर ये कहे कि बेड़ा गर्क कर दोगे, शौकत तरीन को भेजा, बातचीत की, सारा समझाया। इनके पैरों तले जमीन निकली जब इमरान खान के हाथ में वो खत आ गया था। इनको नहीं पता था, इसने रहना था 10 साल, ये एक्सटेंशन लेने वाला था। शेख रशीद ने इमरान खान को कहा कि जनरल बाजवा शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने चाह रहे। इमरान खान ने कहा सारा जहान बना सकता है, मैं नहीं मान सकता शहबाज शरीफ को बनाए, वो तो अरेस्ट होने वाला है। शेख रशीद ने और एक एंकर ने इमरान खान को कहा जी हाँ ऐसे ही होने वाला। इमरान खान ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। जब वो मामला सारा आया तो इमरान खान ने पैगाम भेजा तो जाकर कहा अब ये जो करेंगे मुल्क पे करेगा, फौज कमजोर होगी, ये बंदा नहीं माना। उसके बाद इमरान खान ने अपनी मीटिंग के अंदर कहा और ये पैगाम बाजवे तक पहुंचाया, जो बंदा लेकर जाने वाला था उसने बाजवे को बताया। इमरान खान ने कहा तुमने मुल्क से गद्दारी की है, कौम तुम्हें मीर जाफर और गद्दार के तौर पर याद करेगी। फिर इमरान खान ने ये वर्ड यूज किया था मीर जाफर। इमरान खान ने फिर एक जलसे में कहा कि मैं मीर जाफर जो है वो शबाशी नवाशी को कहता हूँ, वो सियासी बयान था। उस दौरान इमरान खान की बैकडोर पर गुफ्तगू चल रही थी। आप सोचिए असद उमर ने अभी ये बातें कही हैं कि जी मुझे ये सबको पता है बाजवा ने इसको हटाया था क्योंकि IMF का नुमाइंदा लाना था और अमेरिका का प्रेशर था, वो असद उमर को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। फिर ये कहते मैंने अमेरिकी साजिश में,
इमरान खान को कहता है कि तू अमेरिका का नाम ना ले, ये ना कर, वो ना कर, ये इन लोगों की औकात है। और आकर ये कहते थे, अब आप जरा अंदाजा कर लीजिए कि यहां से आप इस शख्स का हाल देख ले कि कहता है कि तुमने किसी भी सूरत बुजदार को नहीं रखना क्योंकि पंजाब में करप्शन हो रही है। उसने मुंह पर दे मारा उसको, इमरान खान ने जवाब। उसे कहा, अगर पंजाब में करप्शन हो रही है, सिंध में महा करप्शन है, जाकर पहले मुराद अली शाह को तो हटाओ। चुप, क्योंकि मिट्टू ने कहा था कि अब्दुल अलीम खान ने बनाना है, वो बनता तो ये आज बिलियनर है, ये महा बिलियनर हो जाते और शायद डॉलर्स में हो जाते और शायद हो भी। जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई, आप इमेजिन कर लें कि उस रात इसको लगा था कि वो इमरान खान की, चूंकि रिकॉर्डिंग सुने थे, इमरान खान को अंदाजा था वो उस रेंज से बाहर चले गए। जब पता चला इन लोगों को, जब डर पैदा हुआ, तो उसके बाद मामलात इतने ज्यादा खराब आ गए कि वो वैन पहुंच गई, वो फलाना पहुंच गई, ये असल में डरा हुआ था। इसका प्लान था, इन्होंने असल में शहबाज शरीफ के साथ डील इस बंदे ने की थी कि तुम मुझे एक्सटेंशन दोगे। असद उमर ने आज ये बात का इंकशाफ किया है कि हमें फौज की जानिब से ये बात कही गई थी कि बाजवा की एक्सटेंशन हो गई। कहते हैं ना इमरान खान फलाना ये वो, कहते हैं असद उमर ने कहा कि हमें आई थी, बाजवा ने कहा था इमरान खान, इमरान खान खुद कहते हैं मेरी सबसे बड़ी गलती थी। खैर, सूरत हाल ये पैदा हुई कि शहबाज शरीफ से डील फाइनलाइज हुई थी कि तुम एक्सटेंशन दोगे। वो मामला बिल्कुल तय थे, वो तो इमरान खान ने अवाम को सड़कों पर ला दिया और इनके खिलाफ नफरत का अंबार लग गया। इतनी नफरत, इन्होंने सर्वे करवाए, इन्होंने इमरान खान को हटाने से पहले सर्वे करवाए। अब वो सर्वे ठीक थे या नहीं ठीक थे, लेकिन ये बात सच है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी काफी गिरी हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग ये समझते थे सारी बुराई की जो जड़ है वो इमरान खान है, वो चोरों का पैसा नहीं वापस ला सकते। उनको क्या पता था कि बाजवा पीछे बैठ कर पुलिस कंट्रोल करता है, ब्यूरोक्रेसी, मईशियत, ये वो सब कुछ ये कंट्रोल करे, गंदा इमरान खान होता है। अब इमरान खान के खिलाफ एक नफरत थी, यही तो इनका काम है, गंदे सियासतदानों को करते हैं। अब हुआ यूं कि इमरान खान को इन्होंने ये जो सारी हरकतें की, इमरान खान के हाथ में लेटर आ गया, इन्हें सर्वे करवाया, सर्वे में इसको बताया 8% मकबूलियत है, निकाल दो इमरान खान को, वाम कुछ नहीं कही। वो इमरान खान के हाथ में लेटर लग गया, इनको पता नहीं था। और लेटर लगने के बाद बाजवा का प्लान था शहबाज शरीफ को लाना, एक्सटेंशन लेना, ये वो नवाज शरीफ से डील फाइनलाइज, वो सारे का सारा भांडे ही फूट गए और इमरान खान जो खड़ा हो गया और अवाम जो खड़ी हो गई, वो देखने वाला था नजारा, क्या कमाल नजारा था। अवाम खड़ी हुई इनके पैरों तले, जमीन निकल गई, ओहो 75 साल से वो चेहरों से नकाब उतर के, बाजवा के चेहरे से जो नकाब इस बंदे ने नाम लिए बगैर उतारा, उसकी कैमरा ये कंट्रोल करते, मीडिया ये कंट्रोल करते। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि प्लान इनका ये बना हुआ था कि असल में इमरान खान को उस रात वो एक खबर चलाई थी, आपको याद होगा, वो थप्पड़ वाली, वो बाजवा ने चलवाई थी कि इसको थप्पड़ पड़े हैं और ये हुआ और वो हुआ है। इसने खबर चलवाई थी कि वो हेलीकॉप्टर उतरे हैं, वो इसी ने अपने साफियों के जरिए, और ये जो पाले हुए थे ये सारे एंटी एस्टैब्लिशमेंट, वकास गुराए, कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं, बाजवा के राइट हैंड थे। तो खबर ब्रेक करवाई कि इमरान खान को थप्पड़ पड़े हैं ताकि शहबाज शरीफ को पैगाम जाए कि तू अगर मेरे सामने खड़ा होने की कोशिश करेगा तुझे भी थप्पड़ पड़ेंगे। हुआ कुछ भी नहीं था उस रात, और ये भी सच है शहबाज शरीफ को भी थप्पड़ नहीं पड़े थे, वो सब कहानी है। तो जिन्होंने वो खबर ब्रेक करवाई थी उन्होंने करवाई थी। इमरान खान आखिरी दम तक कहते रहे नहीं, ये शहबाज शरीफ को नहीं बना सकता। उस रात इसको डर लग गया था कि ये मुझे फारिग करने वाला, ये असल में वो सूरत हाल थी जो कौम को पता नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, कहा तो इमरान खान ने बिल्कुल सही था, तुझे मीर जाफर के तौर पर याद रखेंगे। आज देख ले, मीर जाफर को लोग भूल जाएंगे, इसको याद रखेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।